एवरी वन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा प्रैक्टिस सेशन 45। सो चलिए शुरू करते हैं, आज के 25 क्वेश्चंस देखते हैं और उनको करते हैं। तो प्रैक्टिस सेशन 45, तो पहला क्वेश्चन किसका होता है हमारा, स्पॉट द एरर का। एमटीएस में पूछा हुआ है, सो आई शैल बी प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। तो इसमें क्या देखना है हमें, एरर देखना है। तो किस पार्ट में होगा एरर, देखो यहाँ पे फोर और सिंस ये यूज़ किए हुए हैं। फोर यूज़ किया हुआ है मतलब फोर और सिंस जहाँ भी यूज़ होता है वो कौन सा टेंस बताता है हमको, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, लेकिन शैल बी प्लेइंग यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस लगाया हुआ है। तो हम इसको चेंज करेंगे, यानी इस पार्ट में हो गया एरर, होना क्या चाहिए था, शैल हैव बीन प्लेइंग। ध्यान रखना है आपको, टेंस के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। देखो एक नेक्स्ट, इसके बाद है हमारा दूसरा स्पॉट द एरर, आई हैड अ बैड हैबिट ऑफ वेकिंग अप लेटली। तो जो लेटली है वो किससे चेंज हो जाएगा, लेट से चेंज हो जाएगा, लेटली नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, लेट आएगा। तो किस पार्ट में हो गया एरर, ए पार्ट में। इसके बाद क्या हमारा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स कैन कंट्रीब्यूट टू स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन एनहेंस एम्प्लॉयबिलिटी एंड लेबर प्रोडक्टिविटी एंड हेल्पिंग कंट्रीज टू बिकम मोर कॉम्पिटिटिव। तो यहाँ पर किसकी बात चल रही है, डेवलपमेंट की बात चल रही है, जो कि कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, ट्रांसफॉर्मेशन में। कैसे, इनहेनेंसिंग। तो हम किसी मेथड को बताते हैं, हम क्या यूज़ करते हैं, इन यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, हम बाय यूज़ करेंगे और बाय के बाद एनहांस नहीं आएगा, एनहांसिंग आएगा, बाय एनहांसिंग एम्प्लॉयबिलिटी। नेक्स्ट, इसके बाद है हमारा एक और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, एमटीएस का पूछा हुआ है। तो देखो, ही पुश द बुशेज असाइड एंड वेंट अ लिटिल फर्दर। तो जो वेंट है ये हमारा पास्ट बता रहा है, v2। तो जो हम दूसरी वर्ब यूज़ करेंगे वो भी मतलब टेंस से एक ही चलेगा ना सेंटेंस में, तो पुश की जगह पुश्ड आएगा। देखो पुश्ड कहाँ है, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बस ये बचा, पुश्ड विद बुशेज नहीं आता, पुश्ड द बुशेज आएगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही लग जाएगा, ही पुश्ड द बुशेज असाइड एंड वेंट अ लिटिल फर्दर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हमारा नरेशन आती है, द टीचर आस्क मी इफ आई हैड सीन द मैच। तो ये किसमें है हमारा, ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में दे रखा है, हमें डायरेक्ट स्पीच में देखना है। तो एक बात बताओ, आपने रूल पढ़ा है सब्जेक्ट प्लस अगर हम डिड नॉट का यूज़ करें, यानी कि हम जो हमारा सिंपल पास्ट टेंस होता है उसमें नेगेटिव वर्ड लिया है, तो अपने आप में हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाती है। तो डिड नॉट के पास हम हमेशा v1 लगाते हैं, क्योंकि ये डू की सेकेंड फॉर्म होती है डिड, तो यहाँ हमेशा v1 लगाते हैं। अब हमें इसका क्या बनाना है, डायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो देखो, डिड के साथ हमेशा v1 आएगी, तो ये तो वैसे ही हट जाएगा। डिड के साथ सॉ लगा रखा है, गलत। डिड के साथ सीन लगा रखा है, ये भी गलत। डिड के साथ हैड सॉ लगा रखा है, ये भी गलत। डिड के साथ सी लगा रखा है, तो v1 आएगी, ठीक है। सो ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस। नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे एक्टिव वॉइस की ओर, एक्टिव पैसिव वॉइस की ओर। द प्रोफेसर असाइंस द होमवर्क एवरी वीक। तो प्रोफेसर ने होमवर्क असाइन किया है, हर वीक असाइन करता है। करिए इसको, तो इसमें हमारा क्या था, असाइन था, ये क्या है हमारा, v1 प्लस s और es, ठीक है। तो जब हम इसको चेंज करते हैं तो is mr प्लस v3 लगाते हैं। तो is mr प्लस v3 देख लो कहाँ है, यहाँ पर ing फॉर्म आगे गलत, will है गलत, ये भी गलत। ये देखो is mr की में is लगेगा और असाइन यानी v3, तो ये लग गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इसके बाद आता है हमारा पैरा जंबल। तो पैरा जंबल करते हैं हम, CGL में पूछा हुआ है। देखो, ए से स्टार्टिंग दे रखी है और सी से स्टार्टिंग दे रखी है। तो ए से देखो, इट वॉज द नाइट बिफोर द डे फिक्स्ड फॉर हिज कॉरोनेशन एंड द यंग किंग वॉज सिटिंग अलोन इन हिज ब्यूटिफुल चैम्बर, ठीक है। तो यानी कि एक रात पहले वो अपने ब्यूटिफुल चैम्बर में बैठा हुआ था, उस मतलब और उस दिन मतलब अगले दिन क्या था, उसका राज तिलक था, वो किंग बनने वाला था। अब ए के बाद देखो, ए से स्टार्टिंग है और डी से, सी पढ़ लेते हैं। द लेड फॉर ही वॉज ओनली अ लेड बींग बट 16 ईयर्स ऑफ एज वॉज नॉट सॉरी एट देयर डिपार्चर एंड हैड फ्लंग हिमसेल्फ
back with a deep sign of relief on the soft cushions of his embroidered couch, lying there wild-eyed and open-mouthed, like a brown woodland fawn or some young animal of the forest newly snared by the hunters. तो देखो सी से कोई स्टार्टिंग नहीं बैठ रही है, ए से स्टार्टिंग बन रही है, हम ए को लेके चलेंगे, ए दो ऑप्शन में है, अब उसके बाद डी आ सकता है या सी आ सकता है, तो हमने ए भी पढ़ लिया सी भी पढ़ लिया, ए के बाद सी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिपार्चर की बात चल रही है, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन ए के बाद डी देखो, हिज कर्टियर्स हैड ऑल टेकन देयर लीव ऑफ हिम, यानी उसके जो कर्टियर्स आए थे उसके पास आए थे और उन्होंने उसकी लीव ले ली थी, मतलब उसको छोड़ दिया था, बोइंग देयर हेड्स टू द ग्राउंड, यानी कि वो जो नमस्ते करते हैं किंग को वो, अकॉर्डिंग टू द सेरेमोनियस यूजेज ऑफ, तो देखो ए के बाद डी बन रहा है हमारा, ए के बाद डी फॉलो हो रहा है, सी से स्टार्टिंग हमारी नहीं बन रही है, ए के बाद डी आ रहा है, ए के बाद डी किस ऑप्शन में है हमारा, पहले ऑप्शन में है, तो ये हमारा बन जाएगा, इतना सोचना नहीं है। के बाद हमारा आता है पैराग्राफ 2 CGL का, सो हम रीड करते हैं, बी से स्टार्टिंग दे रखी है और डी से दे रखी है, तो बी ज़्यादा बार है तो बी को लेके चलेंगे, तो आइए, एन ओल्ड मैन वॉन अ ब्यूटिफुल क्लॉक, तो एक ओल्ड आदमी बूढ़ा आदमी एक ब्यूटिफुल क्लॉक जीता, उसको वो क्लॉक नहीं चाहिए, डिड नॉट वॉन्ट द क्लॉक, सो द शॉपकीपर टुक इट बैक, उसने उसको वापस दे दी और उसने उसको शॉपकीपर ने उसको 15 रुपये पे कर दिए, ठीक है, तो बी तो यानी स्टार्टिंग दे रहा है यानी 1, ठीक है, उसके बाद देखो भैया इनकरेज्ड, भैया एकदम से कहाँ से आ गए, रशीद एकदम से कहाँ से आ गए, तो सी वाला तो नहीं होगा, अब बी के बाद देखो डी, ही सोल्ड ऑल द आइटम्स, अब शॉपकीपर ने ही सोल्ड ऑल द आइटम्स टू द शॉपकीपर, लेकिन ही की तो कोई बात चल नहीं रही है, मैंने एक वॉच जीती थी, वॉच ही बेच दी, तो डी भी नहीं आएगा, तो अब बी के बाद ए देखो, अनदर बॉय, एक दूसरा लड़का था, उसने भी अपना लक ट्राई करा, तो उसने क्या क्या जीता, कॉम जीता, फाउंटेन पेन जीता, रिस्ट वॉच जीती एंड अ टेबल लैम्प जीता, ऑन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक जीता उसने, जब जितनी भी बारी खेली अपनी, फिर उसको वो क्या करा उसने, अब देखो ए के बाद डी आ रहा है मेरा, ही सोल्ड, हाँ तो फिर उस लड़के ने सारे आइटम्स शॉपकीपर को बेच दिए और खुशी खुशी वहाँ से चला गया, तो देखो बी के बाद ए और ए के बाद डी आ रहा है, रशीद ऑल्सो वॉन्टेड एंड ट्राइज, रशीद एक नाम का लड़का था वो भी लक खेलना चाहता था अपना, तो उसके बाद अब देखो डी के बाद सी, भैया इनकरेज, उसके भैया ने उसको इनकरेज करा, बट रशीद वॉज नॉट लक्की, वो उस टाइम लक्की नहीं था, उसने जितने भी ट्राई व्हेन ही ट्राइड हिज लक, जब उसने अपना लक ट्राई किया, उसने थोड़ी छोटी चीप आइटम्स देखी जीती, जैसे पेंसिल हो गया, इंक बॉटल हो गया, सून लॉस्ट ऑल हिज मनी, और ज्यादा सारी मनी वो खो बैठा, तो बी ए डी सी बिल्कुल फॉलो कर रहा है। इसके बाद चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक, सारा जस्ट गेव डैश टू अ बेबी बॉय, तो सारा ने क्या दिया, एक बेबी बॉय को जन्म दिया, जन्म को क्या बोलते हैं, बी आई आर टी एच, बर्थ दिया यानी जन्म दिया, प्रोड्यूस किया। नेक्स्ट क्या है हमारा फिल इन द ब्लैंक, सी एच एस एल में पूछा हुआ है, द डैश ऑफ द कंपनी सी ओ वॉज वाइडली प्रेज्ड फॉर हर इनोवेटिव लीडरशिप, तो यहाँ पर क्या आएगा, रेन दे रखा है, तो देखो स्पेलिंग पूछी हुई है रेन की, है कौन सी वाली रेन आएगा इसमें, ठीक है, तो ये वाला रेन है तो बारिश है, ये वाला जो रेन है ये होता है किसी का शासनकाल, यानी कि कोई उस समय मतलब रूलर के लिए बोला जाए तो कोई उस समय ऑटोक्रेट है, राजा है, और यहाँ पे क्या है कि ये इस समय क्या है, ऑफिस होल्ड कर रहा है, यानी सारी जिम्मेदारी इसकी है, तो जो द रेन ऑफ द कंपनी सीईओ, जो कंपनी सीईओ का टाइम था, जो उसका शासन कर रहा था उस कंपनी पे, यानी कि उसने संभाली हुई थी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो वाइडली प्रेज करी गई, यानी दूर दूर तक सराही गई फॉर हर उसके इनोवेटिव लीडरशिप, तो जो उसकी लीडरशिप थी वो इनोवेटिव, तो डी ऑप्शन सही है हमारा। इसके बाद आता है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स, यानी एक ऐसी शॉप जो फैशनेबल क्लोथ्स बेचती है, तो सबको ही पता है बुटीक होता है वो, जहाँ पर अलग अलग तरीके के कपड़े मिलते हैं, ठीक है। स्टोर क्या होता है, जहाँ पे कोई चीज़ रखी जाती है, घर में हर एक घर में स्टोर होता ही है, जहाँ पर जो चीज़ नहीं चाहिए होती है वो भर कर रखते हैं। टेलरिंग क्या होता है, टेलरिंग क्या होता है हमारा, मतलब सिलाई करना। कूचर का मतलब क्या होता है, कूचर होता है अच्छे अच्छे क्लोथ्स को डिज़ाइन करना, फैशनेबल क्लोथ्स को डिज़ाइन करना, बनाना और उनको मार्केट में बेचना। नेक्स्ट, पॉज इनडिसिसिवली, पॉज इनडिसिसिवली का मतलब है हम रुक रहे हैं, स्टॉप हो रहे हैं, वेट कर रहे हैं, जो कहना चाहते हैं वो नहीं कह रहे हैं, हेजिटेट हो रहे हैं। ऑप्शन देखिए, हाइबरनेट होता है इनएक्टिव स्टेट में वापस से पहुंच जाना,
तो बोलते हैं ना कुछ लोग कि कुछ, मतलब आपने साइंस में पढ़ा हो, कुछ एनिमल्स होते हैं कुछ वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं सर्दियों के टाइम, यानी इनएक्टिव स्टेट में सोने चले जाते हैं 6 महीने के लिए, और हम भी यूज़ करते हैं कि काश हम भी हाइबरनेशन में जा पाएं। ठीक है, तो हाइबरनेट होता है डॉर्मेंट और इनएक्टिव स्टेट में वापस पहुंच जाना। हेजिटेट का मतलब वही रुक रुक कर पॉज लेकर बोलना ही चकना। हॉइस्ट का मतलब होता है कोई चीज़ ऊपर लिफ्ट करना, रेज करना। हॉबल का मतलब होता है हमारे पेट पैर में चोट लगी है, कोई हमारे साथ मिसहैप हुआ है किसी के साथ, तो वो कैसे वॉक करेगा डिफिकल्टी से, टू वॉक विद अ डिफिकल्टी, सॉरी। ठीक है, तो हेजिटेट इसका आंसर लग जाएगा। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है हमारा इडियम्स का, आई नो एवरी डिटेल ऑफ हिज एक्सीडेंट बिकॉज आई हर्ड द फैक्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम हिम। मैंने सारी डिटेल्स पता है मुझे उसके एक्सीडेंट की, क्योंकि मैंने जो सारा एक्सीडेंट उसके मुंह से सुना है, सारे फैक्ट्स उसने खुद बताए हैं। तो क्या होगा, डायरेक्ट फ्रॉम द रिच सोर्स, मतलब जो ओरिजिनल सोर्स है वहाँ से मैंने सारी बात पता करी है। तो स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्स माउथ गेट समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम पोर वंस हर्ट आउट या स्पीक ऑफ द डेविल। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, यानी कि सीधा उसके मुंह से, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ इसका आंसर लग जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक और idiom है, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द इशू, वन शुड ऑलवेज बी फोकस्ड ऑन इट। यानी कि जो इशू है ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट होना। तो ऑप्शंस देखिए, ब्लैक शिप, द क्रक्स ऑफ द मैटर, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो बी ऑप्शन देखिए, ये क्या है, मैटर का क्रक्स है, क्या है, क्रक्स है, ये इसका idiom है। अब हमारे सिनोनिम आ चुके हैं 15th क्वेश्चन पे, माइल्ड। माइल्ड का मतलब होता है जेंटल या फिर मॉडरेट। ऑप्शंस देखते हैं, स्केथिंग, ये होता है एक्सट्रीमली हार्श, सीवियर। ब्रिटल का मतलब जो चीज़ आसानी से टूट जाए, और जेंटल यानी काइंड और काम होता है हमारा, और हमारा सीवियर क्या होता है, हार्श, कठोर। तो माइल्ड का परफेक्ट सिनोनिम क्या लग जाएगा, जेंटल। इसके बाद चलते हैं हमारे एक और सिनोनिम पे, टीडियस, ये होता है हमारा डल, नीरस, फीका, डल, बोरिंग और डल। ठीक है, केयरफ्री, जिसको केयर नहीं होती है, हॉस्टाइल यानी अनफ्रेंडली बिहेवियर, एनिमोसिटी, डायनेमिक होता है जो चेंज होता रहता है, और डियरी क्या होता है, ये भी क्या होता है, टायरिंग और मतलब डल, बोरिंग। तो ये इसका सिनोनिम लग जाएगा। देखो इसका मतलब भी पता था, हमने पढ़ा हुआ है अनफ्रेंडली, केयरफ्री हमें पता है जो केयर नहीं करता, केयरफ्री, डायनेमिक जो चेंज होता रहता है, तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल आसानी से लग सकता था। इसके बाद आता है एंटोनिम कंप्लाई। कंप्लाई यानी कि जो रूल्स को फॉलो करता है, उनको मानता है। ठीक है, अब उल्टा देखना, जो नहीं मानता। डिनाई यानी मना करना, किसी चीज़ के लिए मना करना, डिनाई लग गया। असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना। एंगेज मतलब किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट होना। एक्सपेक्ट यानी इससे आशा रखना कि हाँ, ये एक्सपेक्टेशन थी, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसके बाद आता है हमारा एक और एंटोनिम, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड होता है नॉट हैविंग ग्रेस, यानी जिसके अंदर ग्रेस नहीं होता है। उसका उल्टा क्या होगा, जिस पे ग्रेस होगा। तो पहले ऑप्शन क्या है मेरा, ग्रेसफुल, यानी जिसके पास ग्रेस होता है, मतलब स्मूथली मूविंग करता है, स्मूथली मूव करता है, स्टाइलिश मैनर होता है। इनोसेंट क्या होता है, जो गिल्टी नहीं होता। ह्यूज यानी विशाल, मीनिंगफुल यानी जिसका कोई मीनिंग होता है। इसके बाद 19th क्वेश्चन है, स्पेलिंग चेक, ही हैज़ नाइदर, चार ऑप्शन लिखे हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। ही हैज़ नाइदर द पॉलिसीज नॉर द पर्सनल कैरिश्मा टू इंस्पायर पीपल। तो देखो, नाइदर की स्पेलिंग भी सही है, ई आई आएगा, पॉलिसीज भी सही है, LICI, पर्सनल की स्पेलिंग गलत है, और कैरिश्मा भी सही है। क्या आएगा हमारा, ये वाला ऑप्शन, पर्सनल की स्पेलिंग क्या होती है, PERSONAL। नेक्स्ट चलते हैं, एक और स्पेलिंग है हमारा, बिहेवियर की स्पेलिंग बतानी है। तो बिहेवियर कहाँ से स्टार्ट होता है, BEHAVIOUR, जिसको पता होगी वो लगा देगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, इसके बाद चलते हैं अपने क्लोज टेस्ट की ओर। तो रीड करते हैं, सोलर सिस्टम पे बेस्ड है आज का हमारा क्लोज टेस्ट। देख, सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ सन, प्लैनेट्स, मून, एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स दैट डैश अराउंड इट। ठीक है, तो सोलर सिस्टम हमारा किससे मिलकर बना है, सन से, प्लैनेट से, मून, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स से, दैट डैश अराउंड क्या करते हैं, फॉर्म, ऑर्बिट, स्टिक या फ्लाई। तो अराउंड मतलब चारों तरफ, और ऑर्बिट मतलब उसके चारों तरफ जो घूमते हैं। तो क्या आएगा ऑप्शन यहाँ पे, ऑर्बिट। इसके बाद हमारा है, इट्स मिस्ट्रीज एंड वंडर्स हैव कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल
from all walks of life, and it continues to be an area of active research and exploration. तो जो नहीं, यानी इन सब की जो मिस्ट्रीज है, वंडर्स है, वो लोगों के मतलब लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर कर रखा है, और क्या है इस पर रिसर्च और एक्सप्लेनेशन चलता रहता है. द सन इज़ एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. जो सन है वो सेंटर में है सोलर सिस्टम के, और उसके बाद एंड इज़ द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट, और सबसे लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है ये सबको पता ही है. एट प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम पे, एट प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम डैश अर्थ, डैश अर्थ, अर्थ क्या है उसमें इंक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग, डाइल्यूटिंग, डिजॉल्विंग, इंक्लूडिंग, तो इंक्लूडिंग अर्थ, इंक्लूडिंग अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन, मतलब अर्थ को मिलाकर जो उसके चारों तरफ घूमते हैं, किसके, सन के, इन नियरली सर्कुलर पार्ट्स, मतलब अपने अपने पर्टिकुलर पाथ पे. वाइल द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड डोमिनेट्स इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि जो सन है वो सेंटर में है सोलर सिस्टम पे, और अपनी जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस को डोमिनेट करता है. ईच प्लैनेट्स हैज हिज ओन यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, हर प्लैनेट का अपना एक यूनिक, जैसे हर एक बंदे का, हर एक व्यक्ति का, हर एक लोग मतलब हर एक पर्सन का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसका भी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है हर प्लैनेट का. That makes it a fascinating object to study, जो उसको fascinating बनाते हैं और study के लिए मज़ेदार बनाते हैं. Each planet in the solar system has unique characteristics and features, तो हर उसके अलग characteristics और features हैं, ठीक है, full stop. Dash planets such as Mercury and Venus are small and rocky, तो कुछ planet जो Mercury और Venus है वो small और rocky हैं, छोटे और rocky हैं, तो dash planets यानी some planets, ना few, ना many, ना a lot. तो कुछ प्लैनेट्स, ठीक है, उसके बाद वाइल अदर लाइक जुपिटर एंड सैटर्न, सैटर्न और जुपिटर कैसे हैं, लार्ज है, बड़े हैं, और किससे मिलकर बने हैं, गैसेस से मिलकर बने, ये भी हमने पढ़ा हुआ है. द आउटर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स कौन सा था, यूरेनस एंड नेपच्यून आर डैश एज आइस जाइंट्स, इनको क्या बोलते हैं, आइस जाइंट्स बोलते हैं यूरेनस और नेपच्यून को. आर डैश आर क्लासीफाइड, मैग्नीफाइड, रेस्ट्रिक्टेड, इंडल्ज्ड, तो क्लासीफाइड उनको क्या बोला जाता है, आइस जाइंट्स बोला जाता है, बिकॉज दे कंटेन मोर वाटर, उनमें अंदर ज़्यादा पानी होता है, अमोनिया होता है, मिथेन होता है, देन द गैस जाइंट्स, जिनके मतलब गैस जाइंट्स, ये जो गैस से बने मिलकर बने होते हैं जैसे जुपिटर और सैटर्न, इनसे ज़्यादा अमोनिया, वाटर और मिथेन होता है, इसलिए उनको आइस जाइंट्स बोला जाता है. इसके बाद इन एडिशन to the planets, the solar system also has numerous moon. इसके साथ साथ जो solar system उसके पास काफ़ी सारे moon हैं, asteroids हैं, comets हैं. These objects provide important dash. ये क्या provide करते हैं, ये जो सारे objects हैं provide important dash about the formation and evolution of the solar system. ये सारे हमें क्या provide करते हैं, sets, derivation, clues या basis. बेसिस, तो ये हमें क्लू प्रोवाइड करते हैं, हिंट देते हैं, सुराग देते हैं, कैसे हमारा सोलर सिस्टम बना है, उसकी इवोल्यूशन क्या है, फॉर्मेशन क्या है. सो इसमें क्या आएगा, क्लूज आएगा, हिंट देते हैं, सुराग देते हैं. तो इसी के साथ हमारा सोलर सिस्टम पे बेस्ड ये क्लूज टेस्ट खत्म होता है. आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको आंसर्स बन रहे होंगे. सो इसी के साथ हमारा आज का ये प्रैक्टिस सेशन खत्म होता है. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू एवरीवन. Oh,